हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर 650 ब्लॉग। तो जैसे कि सराउंडिंग में आप देख सकते हैं, अभी मैं हूँ रोइंग में। सो ये अरुणाचल प्रदेश में है ये जगह, और रिसेंटली मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ के नज़ारे एंजॉय कर रहा हूँ। ये जहाँ पे अभी मैं हूँ ये है देवपानी, यहाँ का फेवरेट और यहाँ का सबसे फेमस पिकनिक स्पॉट। तो संडे के दिन में यहाँ पर सब लोग आते हैं, थोड़ा सा वेकेशन एंजॉय करते हैं। यहाँ से हम लोग अभी रोइंग के अंदर वेट करेंगे। ये जो वे आगे जा रही है है, तो सराउंडिंग आप देख सकते हैं काफ़ी प्लीजेंट हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग ये तरफ में जाएंगे रोइंग में। सो मैं आ चुका था, घर से निकल चुका था दो देर में ही, और एक जगह में खाना खाने के लिए रुका था बीच में। नियरली ये 9 to 10 किलोमीटर्स अवे में है, और यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे। आते समय मैं एक जगह में खाना खाया था। चलो माउंट कर देते हैं, कैमरा माउंट हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे अपने घर के तरफ में। तो यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं टर्न मार के। तो ये टर्न मार लिया और हम लोग निकलेंगे। सो निकला था हमें नियरली 3:30 बजे की तरफ में, 4 बजे की तरफ में, थोड़ा सा काम ख़त्म करके। तो निकलने के बाद में थोड़ा सा एक जगह में रुका, भूख लग गया था बीच में। काको होटल करके एक जगह है यहाँ पर रोइंग में, वहाँ का भी हम लोग स्पेशल अलग से ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि खाना वाकई में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी भी है। एक अंकल है वो बनाते हैं वहाँ पे खाना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है देवपानी में। एवरी संडे यहाँ पे ऐसे होते हैं संडे होते संडे, रोइंग के जितने भी लोग हैं। एक्चुअल में यहाँ पे इतना भीड़ जमा होने के पीछे में एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ में एक्चुअल में रोइंग के अंदर में काफ़ी हॉट फील होता है, और ये जगह पहाड़ के बेसमेंट में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा लगने के कारण यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं सैटरडे को और संडे को। थोड़ा सा कोल्ड प्लेस जैसा है ये, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ रोइंग के अंदर में। रोइंग में अभी हम लोग यहाँ से घुसेंगे अंदर में, और मार्केट क्रॉस करने के बाद में ये ब्लॉग ख़त्म कर देंगे। काफ़ी सही जगह है खाने पीने के लिए, अच्छे अच्छे चीज़ें मिल रही मुझे यहाँ पे, डोसा वगैरह यहाँ पे सब मिलता है। पहले मैं हवाई में हुआ करता था, तो वहाँ पे वो सब चीज़ थोड़ा सा कम मिला करती थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा खाने का थोड़ा सा दिक्कत हुआ करता था। रेस्टोरेंट्स वगैरह थोड़े से कम थे वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ होता था। यहाँ पे तो रेस्टोरेंट और घूमने लायक जगह काफ़ी सारी है, तो यहाँ पे तो फील हो रहा है अभी, और इवनिंग हो चुका है। बहुत लोग अभी घूमने के लिए जा रहे हैं, हम लोग अभी घर के तरफ जाएंगे। तो जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, काकू होटल में हम लोग एक बार ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ओल्ड एज एक अंकल है काफ़ी टेस्टी खाना बनाते हैं वहाँ पे। तो उनके हाथ का खाना खा के थोड़ा सा एक वहाँ पे ब्लॉग बनाने का मन किया मुझे, तो वो ब्लॉग हम लोग बना लेंगे वहाँ जाने के बाद में। देखते हैं कैसा होगा, शायद ये जगह में मुझे बाइक ले लेनी चाहिए, घूमने में काफ़ी अच्छा है। बैक साइड में मेरे हिल्स है आनिनी, पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है, वहाँ पे भी हम लोग एक बार जाएंगे। उसी के पास में एक प्लेस है मायोध्या करके, तो मायोध्या में एक्चुअल में वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो वो टाइम में सीज़न में हम लोग वहाँ पर जाएँगे, बर्फ़बारी का आनंद भी लेंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे, तो थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। सो एवरी वीकेंड में ऐसे घूमने के लिए निकलता हूँ, जहाँ पे भी जाना हो वहाँ पे, कुछ फिक्स नहीं होता है। कोई जगह अच्छी दिख जाती है तो वहाँ पे चला जाता हूँ मैं। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम लोग कहाँ पे घूमेंगे। अभी मैं घूमने जा रहा हूँ रोइंग में, तो रोइंग अभी नज़दीकी है अपने, तो ये अभी रोइंग में हम लोग इंटर हो जाएंगे। यहाँ से रोइंग सिटी का स्टार्ट है, जाएंगे अभी हम लोग मार्केट क्रॉस करेंगे और अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और ये ब्लॉग में